नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है बायोटेक्नोलॉजी। सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हम बायोलॉजी सब्जेक्ट में, आज हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और मैं संगमित्रा सूर्यपानी इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो हम, जैसे कि हमें पता है कि कई सारे प्रोडक्ट्स हम आजकल मॉडर्न टेक्निक्स की एप्लीकेशंस के साथ प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, बायोटेक्नोलॉजी अगर आप वर्ड सुनेंगे या बायोटेक्नोलॉजी वर्ड से आप जो समझेंगे, उसका मतलब ये है कि बायो मीन्स बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी मीन्स मॉडर्न टेक्निक्स। तो बायोलॉजी में जैव प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें तो दीज आर द लाइक प्रोग्रामिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर वेरियस टास्क, डिफरेंट टास्क। सो इन दिस लेसन वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रीज। जैसा कि मैंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी जो है, इट इज डिफाइंड एज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, सच एज बायोकेमिस्ट्री से कर लें, माइक्रोबायोलॉजी से कर लें, जेनेटिक टेक्निक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लें, हम इसको एक बेहतरीन तरीके से यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फॉर द बेनिफिट ऑफ आर मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड, हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स में अगर आप बोलें, बायोकेमिस्ट्री लेवल पे अगर आप देखें, माइक्रोबायो लेवल पे हम उसमें मैनिपुलेशंस करके, हम उन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज, बायोटेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे। अब अगर बायोटेक्नोलॉजी में हम, जैसे मैंने बात की कि हम बायोटेक्नोलॉजी से समझते क्या है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजिकली हम जो बायो लेवल पे हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस या वेरियस टेक्निक्स को यूज करके हम बायोटेक्नोलॉजी, और आजकल आप देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज या बायोटेक्नोलॉजी से बनी तकनीकें हमारे चाहे एग्रीकल्चर में हो, हेल्थ एंड मेडिसिन में हो, एनवायरनमेंट में हो, और बहुत ऐसे तरीके हैं जिसमें क्रॉप्स में आप देखिए कि काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, हाइब्रिड, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड अगर हम देखें एग्रीकल्चर में मिलता है। अब एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो हेल्थ एंड मेडिसिन में अगर आप देखोगे तो वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एक्सटेंसिवली स्टडी द causes of infectious diseases. For example, मैं अगर आपको बोलूँ तो एक acute respiratory syndrome भी होते हैं, influenza होता है, उनको treat करने के लिए हम various microorganism का use करते हैं, और to develop antibiotics and vaccines to cure disease and to treat different genetic disorder and DNA fingerprinting की अगर बात करें तो forensic sciences में हम DNA fingerprinting के बारे में अक्सर कर बात होती है कि जब कोई criminal किसी तरीके का crime करता है और उसके, उसको अगर हम उसके खिलाफ अगर कोई evidence ढूंढने की कोशिश करते हैं तो DNA fingerprinting बहुत ज़्यादा अहम evidence के तौर पे हमारे सामने आ सकता है। अब एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो रेमेडिएशन। एग्रीकल्चर में अगर हम डिफरेंट क्रॉप्स को, इम्प्रूव्ड क्रॉप्स चाहते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट चाहते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस चाहते हैं, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट चाहते हैं, तो तब हम एग्रीकल्चर में इसको यूज करते हैं। और इंडस्ट्रियल में अगर आप बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द मास प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स सच एज चीज, योगर्ट एंड अल्कोहल। तो मोटे तौर पे अगर हम ये बात कहें कि बायोटेक्नोलॉजी को हम हेल्थ एंड मेडिसिन में हम यूज कर सकते हैं, हम एनवायरनमेंट लेवल पे हम उसको, टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, एग्रीकल्चर लेवल पे देखें तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, इम्प्रूव्ड डिजीज रेजिस्टेंट हर्बिसाइड जैसे मैंने बताया, इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो मास प्रोडक्शन ऑफ, जैसे जो आप देखोगे कि बियर भी जो तैयार होती है, एल्कोहल्स जो तैयार होते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया।
और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अगर बात करते हैं तो देर आर इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इंक्लूड्स ईस्ट, मोल्ड्स, बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई, ये सब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो अगर ये देखा जाए कि माइक्रोब्स जो होते हैं दे आर यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स, सम ऑफ दीज आर अल्कोहल कंटेनिंग बेवरेजेस, योगर्ट की बात की मैंने, दही आप देखते हैं दही कैसे जमता है, दही जो दूध होता है उसको कैसे वो दही में कन्वर्ट होता है, उसमें भी एक बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, लैक्टोबैसिलस इन्वॉल्व होता है। अगर प्रोटीन्स की बात करें, एंटीबायोटिक्स एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में बात करें, विटामिन्स के बारे में बात करें, स्टेरॉइड्स एंड एंजाइम्स, बायोगैस, तो माइक्रोब्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। और तब जाके कहीं ये बायोटेक्नोलॉजी जो आप समझ पा रहे होगे कि कहाँ ये मुश्किल होता था कि चीजों को एकदम हम विटामिन स्टेरॉइड्स ये पॉसिबल नहीं हो सकता था कि, तो 1970s के आसपास ये एक कह सकते हैं कि एक क्रांति आई और उस क्रांति में इस तरीके के चेंजेस आए कि हम लोगों ने डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करना शुरू किया और उस टेक्निक से हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म किए, मास लेवल पे प्रोडक्ट यूज होना शुरू हुए। तो बायोटेक्नोलॉजी को हम ये कह सकते हैं कि इन किन किन एरियाज में हम इनको यूज कर सकते हैं, वो है फूड्स एंड मेडिसिन, इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू डायग्नोस्टिक टूल्स, जीन थेरेपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉर फोरेंसिक पर्पसेस, ईस्ट की अगर बात करें, मोल्ड्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, योगर्ट, अल्कोहलिक बेवरेजेस, एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड बायोगैस कैन बी obtained on a commercial scale by the use of microorganism। अब मैं जानना चाहूंगी अपने लर्नर्स से जो हमारे साथ हैं, लिया है, जुबीन है और दिनेश है, मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दें, मुझे बताएं कि बायोटेक्नोलॉजी को हम और कितने बेहतर तरीके से और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात का जवाब दे सकते हैं। जुबीन, हेलो, हाँ जी बोलिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि अब आप लोग, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल्स दिए, तो मैं जानना चाहूंगी आप लोग क्या समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, आप लोगों के व्यू में आप इसको कैसे डिफाइन करोगे और कौन से और ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको आप बोलना चाहोगे। मैंने लगभग सभी एग्जांपल्स आपको बताए, बट आप अपने तरीके से इसको कैसे समझते हैं। Use of microorganisms for betterment of society and in different industries to produce different products or to solve problems. So that is biotechnology. So मैं मेरे को भी सोच तो नहीं रहा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे आपने इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड मेडिसिन, एनवायरनमेंट का जिक्र किया है, so almost all are covered. But I would love to know more अगर कोई और हैं तो। ओके, और कोई किसी को अगर कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, मैं आगे बढ़ूं। yes, ma'am. अब हम बात करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस, विच इज द पार्ट ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। एंड फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर कन्वर्ट होके इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट इट फॉर्म्स अल्कोहल। तो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट शुगर जो होती है दैट कन्वर्ट्स इनटू द अल्कोहल एंड ईस्ट इज कैपेबल ऑफ फर्मेंटिंग दिस शुगर टू अल्कोहल एंड फर्मेंटेशन इज एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। एक अगर आप देखें तो इक्वेशन को अगर हम देखें तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट और एंजाइम इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड अलोंग विद द एनर्जी। सो फर्मेंटेशन बाय द ईस्ट सैक्रोमाइसिस यील्ड्स बियर एंड दैट बाय लैक्टोबैसिलस यील्ड्स बटर मिल्क। आप देखते हो मैंने अभी बताया कि कर्ड का जो मिल्क से कर्ड में कन्वर्जन होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस लैक्टोबैसिलस
And in fermentation on large scale, बायोरिएक्टर एंड न्यूट्रिएंट मीडियम आर स्टरलाइज्ड बाय द ऑटोक्लेविंग. हम ये सोचते हैं कि इतने बिग प्रोसेस में मतलब ये कैसे पॉसिबल है, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑटोक्लेविंग मतलब उसको पूरा स्टरलाइज्ड किया जाता है ऑन लार्ज स्केल एंड तब वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है. ईस्ट जो होता है दैट इज इनोक्युलेटेड इन टू द मीडियम बाय सपोर्ट ऑफ ग्रोथ सिस्टम और सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम. ग्रोथ सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है ईस्ट को. पहले मतलब एक ऐसे लेवल पे ईस्ट को लाया जाता है, एक ऐसे ग्रोथ लेवल पे लाया जाता है जिससे कि वो फर्दर आगे उस प्रोसेस को कैटलाइज कर सके और कन्वर्जन पॉसिबल हो पाए. सो बैक्टीरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट आल्सो यील्ड एंटीबायोटिक एज वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. विक्समैन गेव द टर्म एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक की टर्म अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी. और इसमें भी बैक्टीरिया ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया एंटीबायोटिक वॉज फॉर्म्ड. So, antibiotic is a substance produced by a microorganism such as bacteria or fungi which inhibit the growth of another microorganism, and antibiotics are generally small molecules with a molecular weight less than 2000 dalton. They are not enzymes. ये ध्यान रखो कि ये एंजाइम्स नहीं होते हैं. ये क्या होता है कि एंटीबायोटिक का फंक्शन जैसे कि हम सभी जानते हैं. जुबीन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एंटीबायोटिक का फंक्शन क्या होता है, अगर आप बताओगे तो. टू फाइट द बैक्टीरिया. यस, टू फाइट विद द इंफेक्शियस एजेंट्स अगर हम बात करें तो. लिया, अगर आप बताना चाहेंगे. लिया, आर यू देयर? मैम, कैन आई? यस, फ्रॉम दिनेश राजप्रीत. हाँ जी, बोलिए बोलिए. मैम, एंटीबायोटिक हम लोग मतलब जो अपने बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, उससे उससे मतलब खत्म करने के लिए या फिर बोल सकते हैं उससे फाइट करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं. जो बैक्टीरिया हम लोग होते हैं तो हमारे अंदर के अच्छा, तो एंटीबायोटिक हम जब डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये जो प्रोसेस है 3 दिन में या 4 दिन में हमारे जो सेल्स हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक रिवाइव कर जाएंगे. ठीक है, एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी हमारे अंदर उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से या उस पर्टिकुलर इंफेक्शियस एजेंट से, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो. ठीक है, सो वेरी गुड, वेरी नाइस. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो एंटीबायोटिक हम एक तरीके से कह सकते हैं कि दैट इंटरफेयर विद द वाइटल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरियम एंड प्रिवेंट्स इट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. सो एंटीबायोटिक के साथ वैक्सीन्स भी प्रिपेयर्ड होती हैं. वैक्सीन को अगर हम देखें तो एक फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन होती है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन होती है. फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की अगर बात करें तो हम उसमें फ्रॉम वीकेंड और एटीनेटेड जर्म्स जो होते हैं उनको लेके हम उसमें फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन को फॉर्म करते हैं. और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम पूरा एक जिसे कहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आगे डिटेल में और अच्छे से बताऊंगी कि इधर हमने बाय कट एंड पेस्ट जो हमारा इसमें जो वो होता है सीक्वेंस जो होता है, जो फीचर है वो ये है कि एक पर्टिकुलर प्लेस से डीएनए को कट करके दूसरी जगह रिक्वायर्ड और डिजायर्ड जगह पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं. और थर्ड जनरेशन सिंथेटिकली हम प्रोड्यूस करते हैं. तो इसमें अगर हम देखें तो विटामिन्स में आल्सो बी जनरेटेड थ्रू फर्मेंटेशन. विटामिन्स भी जनरेट होते हैं थ्रू दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस. इन सबको देखते हुए बायोगैस भी जो विद द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी, बायोगैस इज ऑल्सो मेड बाय द एक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऑन वेस्ट मैटर सच एज द फेसेस ऑफ
ह्यूमंस और कैटल काउ डंग की अगर बात करें तो ये एक नया तरीके का कन्वेंशनल सोर्स ऑफ फ्यूल है एंड बायोगैस जो होती है इट्स यूज कैन सेव फॉसिल फ्यूल एंड कोल कैरोसिन एंड पेट्रोल विच आर फास्ट गेटिंग डिप्लीटेड फ्यूल्स और उसमें ये जो बायोगैस है दैट हेल्प्स टू कंजर्व द एनर्जी एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. और ये किससे बनता है, ये बनता है जो ह्यूमन एंड कैटल का रिमेन होता है, काउ डंग कह लें तो जो काउ कि जो हिंदी में अगर कहूं तो गोबर जो होता है उससे ये तैयार होती है, गोबर गैस भी इसीलिए इसको कहा जाता है. तो जो एनर्जी इसमें यूज्ड होती है एज अ फ्यूल कम्स फ्रॉम मीथेन. मीथेन एक मेजर वो होती है सोर्स, काउडंग फॉर्म द प्राइमरी सोर्स ऑफ बायोगैस एंड इन इंडिया काउडंग इज अवेलेबल इन प्लेंटी ऑफ विलेजेस एंड इन स्मॉल स्केल मीथेन जनरेटिंग प्लांट्स हैव बीन डिजाइंड टू प्रिपेयर इट. अब इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो मैंने बात किया कि जैसे कि बायोगैस के बारे में बात की. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जेनेटिक एंड इंजीनियरिंग कैसे हम ये भी बायोटेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम था जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हुआ कि देयर इज अ कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल दैट हैव बीन इंजीनियर्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स एंड द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज इन द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो क्यों इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्यों आप क्या समझते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग से? मैंने आपको बताया कि एक तरीके का हम जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको या तो कंस्ट्रक्ट करते हैं या यूटिलाइज करते हैं इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स में. और दिस टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोले तो वो डीएनए पैच होता है एक तरीके का. मान लीजिए अगर किसी तरीके की दिक्कत है या परेशानी होती है, हम लोग किसी बीमारी से गुजर रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो जेनेटिक लेवल पे हम उसको रिपेयर कर सकते हैं. अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या समझते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग से. आप अपने को अनम्यूट करके मुझे बताओ कि आप इस टर्म से क्या समझते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक्स मीन्स एट जीन लेवल और इंजीनियरिंग मीन्स इंजीनियरिंग मैकेनिकली फिजिकली उसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, बताइए आप. एंड क्रिस्पर इज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस, राइट? एडिटिंग द जीन्स, जीन एडिटिंग. अच्छा, और दिनेश तुम बताओ, मैं आपसे जानना चाहूंगी दिनेश. मतलब अगर किसी को कोई बीमारी है तो मतलब जैसे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें ये काम आ सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग. जैसे कि डायबिटीज है तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसके जगह जब हम लोग एडिट करते हैं तो डायबिटीज के जो जीन्स होते हैं हम लोग उनको रिप्लेस करके जो पेशेंट होता है डायबिटीज का तो वो ठीक भी हो सकता है. वेरी नाइस. और बाकी दो जो और स्टूडेंट्स हैं बाकी मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि आप लोग बोलें, बताएं कि आप क्या समझते हैं. मेरे ख्याल से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है या तो वो म्यूट नहीं कर पा रहे हैं, हम बात नहीं कर पा रहे हैं उनसे. इसी चर्चा को हम थोड़ी देर में एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे. धन्यवाद.